आज हमने वरना होंडा की जो कार है उसको हमने छत समेत फुल डेंट पेंट किया है और वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वीडियो में आप सभी बने रहें। वेलकम टू मुमताज यूट्यूब चैनल। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे पास जो गाड़ी आई है वरना, जिसका हम फुल डेंट पेंट किए हैं, तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे डेंट हैं जो दिख नहीं पा रहे हैं। बहुत काफ़ी छोटे छोटे डेंट है जो मेरे कैमरे से आप सभी को दिखा नहीं पा रहा हूँ और शायद मेरे कैमरे में दिख भी नहीं रहा है। जैसे एक छोटा सा डेंट टॉप पे दिख रहा होगा आप सभी को, तो इसका हम पूरा देख ही सकते हैं। हम पूरी छत समेत इस गाड़ी को हम डेंट पेंट करेंगे। अब आते हैं हम छत पे। छत पे भी बहुत छोटे छोटे डेंट है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि छत भी आप सभी को लग रही होगी कि पूरी गाड़ी साफ है। मुझे भी कैमरे में लग रही है कि गाड़ी बहुत साफ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो होते हैं बारीक से डेंट शायद आप सभी को नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए क्योंकि इस गाड़ी की रबिंग पॉलिश हुई है। हमारा कैमरा बिल्कुल क्लियर से नहीं दिखा पा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें बहुत बारीक ही सा छोटा छोटा सा डेंट है पूरी गाड़ी में, और छत में बहुत सारा काफ़ी सारा डेंट है वो कैमरे में दिख नहीं रहा है। और ये गाड़ी हमने एक हफ्ता पहले ही रबिंग पॉलिश की थी, उसके बाद इसलिए इतना ज़्यादा चमक रही है। इसमें छोटे छोटे डेंट है जो कैमरे से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, क्योंकि गाड़ी का एक हफ्ता पहले ही रबिंग पॉलिश किया गया था। तो इसमें जैसा आप सभी ने देखा है कि हमने पूरी गाड़ी को अच्छे से आप सभी को दिखाया है। अब हम इस गाड़ी को अच्छे से बिल्कुल जो तरीका होता है पेंट मारने का, उस तरह हम इस गाड़ी को पेंट मारेंगे। आप सभी वीडियो में बने रहें। इस गाड़ी पे भी हम डूपोंट का पेंट यूज करेंगे, क्योंकि डूपोंट का पेंट मैं हमेशा यूज करते हुए आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है डूपोंट का, जैसा आप सभी देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल अच्छे से जो छोटा छोटा डेंट वगैरह जो था तो हमने बिल्कुल अच्छे से पहले सैंडिंग किया है, उसके बाद हम इस पर बॉडी पिलर इंस्टॉल कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से जो था बॉडी पिलर हमने इस पर भर दिया है। बिल्कुल अच्छे से सैंडिंग करेंगे, जो शाइनिंग आप सभी को दिख रही होगी हम पहले इसको बिल्कुल अच्छे से डल करेंगे। डल करने के बाद उसके बाद जहाँ जहाँ कमी, तो हमने फाइनली जो छोटा वोटा डेंट था उसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है और सैंडिंग भी अच्छे से कर दिया है। और हम इस पर अब तूके का अस्तर मारेंगे, जैसा आप सभी देख सकते हैं तूके का अस्तर हमने ब्लैक कलर डाल के मारा है कि इस पर अच्छा देखे। तो हमने बिल्कुल अच्छे से बेस बना दिया है, आप सभी को नहीं दिख रहा था लेकिन मैंने पट्टी भर के उसका जो अच्छे से बेस होता है तूके अस्तर का वो मार के पट्टी चेक करके इसी तरह हम पूरी गाड़ी की मास्किंग अच्छी तरीके से कर लिए हैं। ये मास्किंग होता है और इसमें आप सभी को दिखेगा कि इसमें कितना सारा डेंट था और कैसे कैसे हमने पट्टी भरा है, कहाँ कहाँ भरा है, आप सभी देख ही सकते हैं। तो हमने इसी तरह डल कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब इसके बाद हम इस पर बेस कोट मारेंगे, जो गाड़ी का बेस कोट होता है सेम बेस कोट मारेंगे। बेस कोट मारने के बाद तो हम इसको बढ़िया से बेस कोट मार के उसके बाद हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद हम इसको फिर हम अच्छे से क्लीन करके हर एक एक पीस को हम सफाई करके फिर हम फाइनल पेंट मारेंगे। तो फाइनल पेंट के लिए आप सब वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। हमने अस्तर बढ़िया अच्छे से मार लिया, अब हम इस पर पट्टी चेक कर रहे हैं जैसे जहाँ जहाँ कमी रह जाती है, जैसे रेक मार का स्क्रैच वगैरह रह जाता है तो हम उसको बढ़िया से, जैसे टक वगैरह रहता है तो हम उसको बढ़िया से, जैसे स्क्रैच वगैरह हमने बिल्कुल अच्छे से चेक कर दिया। दूर से ले रहा हूं, दूर से ले रहा हूं, तो माँ बोले तो माँ के तो पूजा जा
17 বন্ধু কাজ করব এখন। না 17 বন্ধুই ডিউটি দেবে আজকে এক্সট্রা কাজ, সকাল 10টা থেকে কাজ, আজকে এক্সট্রা কাজ। রবিবার ছুটি রয়েছে, সম্ভবত রবিবার কাজ করে দিয়ে এটা কাজ আছে, তাহলে এক্সট্রা টাকা পাবো। দিনে যত করে ভাই ধরলে 9000 পাইলে তো দিন 300 করে হয়, তো এসে আরো করে দিয়ে যাবো এক্সট্রা। जैसा आप सभी देख सकते हैं कि हमने बेस कोट मारने के बाद फिर पट्टी चेक किया है, ये थोड़ी बहुत कमी रह जाती है इसलिए हम बेस कोट मार लेते हैं, क्योंकि पेंट फाइनल मारने के बाद वो सब कमी दिखती है, इसलिए हम बेस कोट मारते हैं कि जो भी कमी हो पहले ही पूरी हो जाए। तो हमने बढ़िया से बेस कोट मार के उसके बाद जो भी कमी थी हमने बढ़िया से इसकी पूरी कर दी है कमी। छोटा छोटा जो टप वगैरह जो था तो हम इस पर पट्टी भर दिए हैं, और बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बारीकी से जो टक होता है उसको चेक किया जाता है, क्योंकि पेंट के बाद वही छोटे छोटे टकोरे दिखते हैं तो मेहनत बेकार हो जाती है। तो हम इससे अच्छा है कि हम बिल्कुल अच्छे से मेहनत करें तो हमारी मेहनत दिखे आप सभी को। आप सभी देख ही सकते हैं कि हमने जो छोटा छोटा टकोरे था उसको बिल्कुल अच्छे से चेक कर कर फिर बेस कोट मार कर फिर सैंडिंग कर कर अब फाइनल पेंट करने के लिए रेडी है गाड़ी। तब हम इस पर फाइनल पेंट डालने के लिए आ चुके हैं, तब हम फाइनल पेंट डालेंगे। पेंट करने से पहले हम बिल्कुल एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई पार्ट खुला तो नहीं है जिस पे पेंट चला जाएगा, फिर बाद में हम साफ़ करते हैं तो वाइट नस आ जाती है। तो हम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ढाँक दिया, अब हम पानी पेंट मारेंगे। Thank you.
हमने बिल्कुल अच्छे से इस पर पेंट फाइनल कर दिया है। अब इस पर लेकरा चलेगा, जिसको हम क्लियर भी कहते हैं और लेकरा भी कहते हैं। तो अब हम दो पॉइंट का लेकरा भी मारेंगे और दो पॉइंट का पेंट भी मारे हैं हम। तो फाइनली हमने अच्छे से बिल्कुल लेकरा मिला लिया है और बना लिया है, और हम अब गन के अंदर लोड कर रहे हैं। तो लेकरा में बहुत हार्डनर भी मिलना चाहिए और थिनर भी मिक्स करते हैं। क्लियर में हार्डनर भी कम से कम मिलना चाहिए और हार्डनर हिसाब से डालें जो प्रॉपर पेंट सूख जाए। तो हम ये पेंट मारने से पहले हम इस पर टैकरेट का इस्तेमाल करते हैं, जो पेंट पे जो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आ जाता है तो उससे इसलिए हम टैकरेट यूज़ करते हैं। तो उस टैकरेट मारने से जो भी डस्ट वगैरह होता है वो सब क्लीन हो जाता है अच्छे से। उसके बाद हम इस पर लेकरा मारेंगे। पूरी गाड़ी पे हम इसी तरह ये टैकरेट का इस्तेमाल करेंगे। पूरी गाड़ी पे बिल्कुल अच्छे से हम टैकरेट मार लेंगे। उसके बाद हम फाइनल लेकरा जो शाइनिंग वाला होता है लेकरा, जिसको हम क्लियर भी मैं कितनी वीडियो में कहता हूँ, मैं क्लियर ही कहता हूँ।
तो किधर है तो है किधर फाइनली हमने बिल्कुल अच्छे से जो प्रोसेस था हमने कर दिया है और फाइनली अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अभी इसको हम 72 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। धूप लगनी चाहिए कार पे जो प्रॉपर ढंग से अच्छे से पेंट सूख जाए, उसके बाद हम इसकी बिल्कुल अच्छे से रफ रबिंग करेंगे। पहले सैंडिंग करेंगे 3M के 1000 नंबर पेपर से 72 घंटे के बाद। उसके बाद आप एंड में रिजल्ट देख ही सकते हैं कैसा आया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।